वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गौरव गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज सेट्स। वी ऑलरेडी सॉल्व द मिसलेनियस एक्सरसाइज द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स इन दिस वीडियो। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम P of A is equal to P of B। अब आपको ये पता होना चाहिए P of A का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर P of A इंडिकेट करता है पावर सेट, और पावर सेट आपको पता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन सब का कलेक्शन को क्या कहते हैं हम, पावर सेट। तो यहाँ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B गिवन है और आपको प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब A और B दोनों इक्वल सेट होंगे तो उनके पावर सेट भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे। बट ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे आप इसको प्रूव करोगे, इसके लिए आपको एक लॉजिकली माइंड सेटअप करना होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको विद एन एग्जाम्पल भी समझाऊंगा ताकि आप लॉजिकली आप समझ सको, और उसको एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो आपको लॉजिक का मीनिंग क्लियर होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके लिए, टिपिकल। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, मैं लिख लेता हूं यहां पे। हमें जो गिवन है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है। और हमें टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, ए इज इक्वल टू बी। अब आपके माइंड में ये आया कि आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो व्हाट आर द कंडीशन, क्या कंडीशन क्या होती है। आपको पता है दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ इस एक क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको दो पार्ट में इसको प्रूव करना होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करेंगे हम, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे जो बी है वो भी एक सबसेट किसका है, ए का। तो ये क्या बन जाएगा, बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ इक्वल सेट, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव कर पाएंगे। अब आपको माइंड में ये सेट करना है कि पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैं विद एन एग्जांपल आपको पहले से समझाता हूँ और फिर मैं कैसा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा इसको, फिर इसको देखिएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट ए मेरे पास एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2 है। अब मैं इसके सबसेट की बात करता हूँ। आपको पता है एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा एक सबसेट होता है एवरी सेट का। सेकेंड, हर सेट खुद का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसका मतलब एक सेट आपको 1 और 2 भी मिल गया, दो तो ये सबसेट ऑलरेडी होंगे ही होंगे। अब आपको एलिमेंट को, पहले वन एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करो और सिंगल एलिमेंट के पेयर बनाओ। तो यहाँ पर कितने बना सकते हो आप पेयर, एक 1 का पेयर बना सकते हो और एक 2 का पेयर बना सकते हो, और तो कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है। यदि आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो 1 और 2 ये ऑलरेडी आ चुका, इसका मतलब और कोई सबसेट नहीं बन सकता। और आपको कंफर्म करने के लिए पावर सेट ने क्या कहा था, कोई भी सेट हो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2^n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, इसका मतलब 2^2 = 4। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट क्या आएंगे, 4, काउंट करके देखिए 4। इसका मतलब जो P ऑफ A, ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट। तो ये क्या एक सेट है, किसका, कलेक्शन ऑफ सबसेट का, ये हमारे सब सबसेट है। तो पहला सबसेट हमारा क्या है, एम्प्टी, दूसरा सबसेट है 1, सेकंड सबसेट है 2, और नेक्स्ट सबसेट क्या है आपका 1 और 2। इतना समझ आ गया। अब देखिए मैं इसको कैसे प्रूव करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहा हूँ, लेट, सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज करता हूँ, लेट एक्स बी एन नी आर्बिट्ररी एलिमेंट, जो एक्स है हमारा कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, लेकिन कहाँ से बिलोंग करता है, वो हमारा ए सेट से बिलोंग करता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ से मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पे एलिमेंट क्या सेलेक्ट करा,
वन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू वन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये क्या है, मेरे सबसेट है। अब मैं इसमें से एक सबसेट को भी कंसीडर कर लेता हूँ, एंड कैपिटल x, ये जो कैपिटल x है ये मेरा सबसेट है, ये बी एनी सबसेट है ऑफ सेट ए का, ए सेट का ये सबसेट है, और ऐसा सबसेट है सच दैट कि जो एक्स है, सच दैट ऐसा सबसेट लिया है जो ये एलिमेंट है वो इस सेट में भी प्रेजेंट है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मान लीजिए इसे मैंने यहाँ वन लिया और एक सबसेट ले रहा हूँ मैं ये वाला वन टू, तो एक्स जो है वो हमारा ए से भी बिलोंग करता है, और एक्स किससे बिलोंग करता है, हमारा सेट से भी बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू सबसेट भी करता है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर प्रूफ कैसे करता हूँ, एक दूसरे को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है। अभी मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया किसका, ए सेट का, तो आपको ये पता लगाना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब आपने ये एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करा तो आपको ये प्रूव करना है कि यही एलिमेंट बी सेट से भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करता होना चाहिए। तो आपको ये पता है कोई एलिमेंट जब ए सेट से भी बिलोंग करता है और वही एलिमेंट बी से भी बिलोंग करता है, तो नेचुरली ए जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो अब मैं कैसे इसको प्रूव करता हूँ, अब आपको ये पता है जो ये मैंने, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कौन सा सबसेट लिया है, एक्स लिया, ये कैपिटल एक्स है और ये आपका स्मॉल एक्स है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कैपिटल एक्स की, या मैं इसकी बात कर लेता हूँ और भी छोटा ले लेता हूँ, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 चूज़ करी है, 1 a से भी बिलोंग करता है और 1 मेरा क्या है, एक सबसेट भी है। तो x यहाँ पर मेरा क्या है, ये कैपिटल X, ये है मेरा। नाउ x इज, जो x जो है ये मैं ये कह सकता हूँ, x जो है ये मेरा सबसेट है किसका, a सेट का कह सकता हूँ, क्योंकि x में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है मेरा, 1 है, और सबसेट की क्या कंडीशन क्या होती है, जो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है वो एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरा एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 मेरा इस ए सेट में भी प्रेजेंट है, तो कंडीशन इज ट्रू। अब मैं इसका मतलब ये लगा सकता हूँ कि जो एक्स है ये मेरा क्या है, एक सबसेट है किसका, ए सेट का। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो मेरा एक्स है ये क्या इससे भी बिलोंग नहीं करता, जो एक्स है मेरा जो सबसेट है वो मेरा पावर सेट से भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, जब एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए है तो इसका मतलब जो हमारा एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ ए से भी बिलोंग करता है। इसको लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने क्या कहा है, सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने x को 1 लिया, तो मैंने यहाँ पे x 1 लिया तो 1 मेरा a सेट से बिलोंग करता है, ट्रू है। फिर मैंने एक कैपिटल x लिया, ये मेरा एक सबसेट है, तो इन चारों में से मैंने कोई एक सबसेट लिया, तो मैंने मान लेता हूँ ये सबसेट लिया, सच दैट x बिलोंग्स टू x, जो मेरा 1 है तो 1 क्या इससे बिलोंग करता है, इस सबसेट से, बिल्कुल करता है। फिर आगे देखिए, अब कहता हूँ x इज अ सबसेट ऑफ a, x मेरा कौन सा, ये रहा, ये एक सेट है x और ये हमारा a है, तो क्या ये इसका एक सबसेट है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है 1 वो a में प्रेजेंट है, तो x जो है वो a का क्या बन गया, सबसेट, तो ये बना दिया। तो मुझे पता है कि जो ये 1 है, जो x मेरा सबसेट है वो मेरा देखो पावर सेट में भी है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो x है ये किससे बिलोंग करता है, मेरा पावर सेट से भी बिलोंग करता है। अब आगे देखिए ध्यान से, अब मैं ये कह सकता हूँ जब मेरा x जो है पावर सेट a से बिलोंग करता है, और पावर सेट ऑफ a देखो किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ b के भी इक्वल है, इसका मतलब a को रिप्लेस कर सकता हूँ b से, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ b बन गया, इतना समझा क्या।
अब आप जहां देखिए, मैम इसको रब कर देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा x एक सबसेट है a का, तो x जो है वो उसके पावर सेट से बिलोंग कर गया। यदि ये स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट आती है तो इस स्टेटमेंट से पहले ये स्टेटमेंट आई, तो सिमिलरली इससे कंपेयर करोगे तो इससे पहले स्टेटमेंट क्या आएगी, ऐसी स्टेटमेंट आएगी। बट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू पावर सेट a था, तो अब ये किस में चेंज हो गया, बिलोंग किस में चेंज हो गया, सबसेट में। x इज अ सबसेट और यहाँ a था, क्योंकि यहाँ पर a था, यहाँ b है, तो यहाँ पर क्या आ गया, b। अब ये हो गया कि ये जो सबसेट है वो b में भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब जो x था, x में एलिमेंट क्या था मेरा, x था, क्योंकि ये एलिमेंट x में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट यहाँ भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि x क्या है, ये इसका सबसेट है। तो मैं इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ कि जो x है वो किससे बिलोंग कर गया, बी से भी बिलोंग कर गया। तो इसको मैं इक्वेशन वन बना लेता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ एज एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने लेके चले, देन हमारे पास क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये क्या हो गया आपका प्रूफ। तो ये था फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम आपको सेकंड के लिए करना है। तो मैं ये एग्जांपल दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेटर वे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ नोट डाउन, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, लिख लें आप, लिख लें यहाँ पे प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट। नाउ सिमिलरली अब आपको बी को सबसेट प्रूव करना है ए का, तो अब हम सेकेंड कर रहे हैं इसका, टू प्रूव बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सेम टू सेम वही लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट। लेट ए हमारा क्या था, मैं बी की टर्म्स में ले लेता हूँ, लेट बी एक हमारा सेट है 3 और 4, तो इसके सबसेट क्या बन जाएंगे हमारे, 5, 3, 4 और 3, 4। यदि मैं इसके पावर सेट की बात करता हूँ, पी ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 5, 3, 4 और 3, 4। जैसे मैंने वहाँ पे एक्स एलिमेंट लिया था जो ए सेट से बिलोंग करता था, अब मेरा बी सेट है, तो मैं लेट ले लेता हूँ, लेट वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट कैसे हैं, y बिलोंग किससे करता है, वो b सेट से बिलोंग करता है। फिर मैंने कैपिटल x लिया था सबसेट, एंड इसी टाइप से मैं कैपिटल y ले लेता हूँ, ये है एनी सबसेट ऑफ किसका, सेट b का, सच दैट, ऐसे होना चाहिए कि जो ये एलिमेंट ले रहा हूँ मैं वो किससे बिलोंग करता होना चाहिए, उस सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। फॉर सेम एग्जांपल यहाँ लेट कर लेता हूँ मैं, एलिमेंट को ले लेता हूँ ये, तो यहाँ मेरा कैपिटल एक्स क्या है, 3 है, और स्मॉल एक्स क्या ले रहा हूँ मैं, वो भी 3 ले रहा हूँ। तो मैंने क्या लिया, जो एक्स है सबसे पहले 3, क्या 3 ए से बिलोंग करता है, आप कहोगे देखो वाई बिलोंग्स टू बी, वाई में मैंने क्या है 3 लिया है, तो 3 बिलोंग्स टू ए कह रहा हूँ, 3 बिलोंग्स टू बी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फिर अब मैंने लिया वाई एक सबसेट, वो ये ले रहा हूँ, तो कैपिटल वाई मेरा क्या है आपका, कैपिटल वाई 3, तो 3 क्या एक सबसेट है, एनी सबसेट ऑफ सेट बी, यस, क्योंकि 3 क्या है आपका एक सबसेट है। कैसे है कि उसका जो एलिमेंट है, वाई एलिमेंट क्या था मेरा 3, तो जो 3 है वो बिलोंग करता होना चाहिए वाई सेट से, तो 3 देखो क्या वाई सेट में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है।
तो अब मैं ये कह सकता हूँ, सो तो जो कैपिटल वाई है वो क्या बन गया, एक सबसेट बन गया किसका, बी का कह सकता हूँ, क्योंकि देखो ये बी है, बी क्या है, ये वाई, कैपिटल वाई, वाई एक सबसेट है बी का, क्योंकि वाई का एलिमेंट है 3 और जो बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब वाई एक सबसेट बन गया बी का। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो वाई है ये बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, जब ये इसके सबसेट से बिलोंग करता है तो साथ का देखो ये इसके पावर सेट में भी बिलोंग करता है। पहले तो हमने क्या कहा, वाई एक सबसेट है बी का, इसका मतलब वाई के जो एलिमेंट है 3 वो बी सेट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो वाई है अब बिलोंग, बिलोंग का मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ बी में, देखो ये रहा पूरा का पूरा बिलोंग करता है, तो मैं कह सकता हूँ वाई बिलोंग्स टू क्या है, पावर सेट ऑफ बी, बिलोंग करता है। अब पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल था, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ये चीज तो गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये चीज तो आपको क्या है, गिवन है, गिवन हो गई। अब देखिए जब आपने इसको इसमें चेंज करा तो इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो, तो इसी टाइप से यहां देखो वाई है तो वाई, तो मैंने यहां वाई लिख दिया, और यहां बिलोंग था बिलोंग है, तो बिलोंग किस में चेंज हो गया था, सबसेट में, तो यहां सबसेट में चेंज हो गया, और बी तो यहां बी, यहां ए है तो ये ए। अब देखिए जब ये एलिमेंट इस वाई सेट में प्रेजेंट है, ये कहता है कि वाई एक सबसेट है ए सेट का, इसका मतलब वाई के जो एलिमेंट होंगे वो ए में भी प्रेजेंट होंगे, और ये जो एलिमेंट है ये वाई में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया जो वाई है वो किससे बिलोंग करता है, ए से भी बिलोंग करता है। तो एज वाई बिलोंग्स टू बी, और उससे हमने देखा कि एक्स वाई जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, जब हम लेके चले कोई एलिमेंट बी का और वो देखा कि वो एलिमेंट तो ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव ए इज इक्वल टू बी, इसलिए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी प्रूव हो गया। तो ये जो चीज बताई है आपको नोट नहीं करनी, ये सिर्फ आपको लॉजिकली सॉल्व करना है, तो ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट आपके ए एंड बी, सच दैट पावर सेट ऑफ ए का यूनियन करना है आपको पावर सेट ऑफ बी के साथ, वो इक्वल टू हो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है तो जस्टिफाई करो, और फॉल्स है तो जस्टिफाई करो। तो इसके लिए आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग सो एन एग्जांपल। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ यूजिंग एग्जांपल, लेट ले लेता हूँ दो सेट, ए सेट को कोई भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 3, बी सेट मैं लेट कर लेता हूँ 4, मतलब ऐसे सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है, इन सेट को हम क्या नाम देते हैं, सिंगल टोन सेट भी कह देते हैं। तो यहाँ मैंने दो सेट लिए जिसमें एलिमेंट्स ए सेट में 3 है और बी सेट में एलिमेंट है 4। अब हम बात करते हैं पावर सेट की, यदि मैं पावर सेट ऑफ ए की बात करता हूँ, आपको पता है पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स। तो सबसे पहले तो एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, दूसरा खुद जो सेट होता है वो भी एक सबसेट होता है इटसेल्फ का, और कोई इसमें एलिमेंट नहीं है क्योंकि हम 3 की पेयरिंग बनाते हैं तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब इससे ज़्यादा इसके सबसेट नहीं बन सकते। चेक करने का फॉर्मूला 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसका मतलब सबसेट कितने बनेंगे, इसके 2 ही बनेंगे। इसी टाइप से यदि हम पावर सेट b की बात करते हैं, उसमें भी एम्प्टी सेट आ जाएगा और एलिमेंट क्या आ जाएगा 4, तो इसके भी सबसेट कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पावर सेट ऑफ ए का यूनियन करना है पावर सेट ऑफ बी से, यूनियन आपको पता है ऑल द सेट्स, सॉरी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स। तो यहाँ ए एंड बी का मैं कर रहा हूँ पावर सेट, इसका मतलब इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूंगा इन ए सिंगल सेट, उसको क्या कहते हैं, यूनियन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सेट यहाँ एम्प्टी है
काउंट कर लिया, यहाँ पर क्या है 3 है काउंट कर लिया, एम्प्टी दोबारा लिख नहीं सकते क्योंकि एलिमेंट्स नॉट बी रिपीटेड। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या रह गया 4, तो ये क्या बन गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको पहले ए यूनियन बी निकालना है, तो हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी, इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो। ए में एलिमेंट क्या है 3 और बी में एलिमेंट क्या है 4, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब हमें इसका क्या बनाना है, पी, पी का मतलब पावर सेट, तो पी ए यूनियन बी। सबसे पहले वही एम्प्टी सेट हमेशा एक सबसेट होता है, दूसरा ईच सेट इट्स अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब ये सेट खुद का भी एक सबसेट हो गया, तो ये 3 और 4 भी हो गया। अब सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाइए, 3 से बना लेते हैं और एक 4 से बना लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 2 की पावर 2, 4 ही एलिमेंट सबसेट्स बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे 4 सबसेट बन गए। अब चेक करिए क्या ये और ये इक्वल है, नो क्योंकि इसमें 5, 3 और 4 है, 5, 3, 4 तो, बट इसमें 3 और 4 भी तो एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो नो इट इज नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू नहीं है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप विद एन एग्जांपल भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी, आपको प्रूव दैट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रूव करना है आपको ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, विद एन एग्जाम्पल भी आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बेटर भी होगा कि एग्जाम्पल से भी आपको प्रूव करा के दिखाता हूँ, और वैसे कैसे प्रूव होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ए और बी दो सेट ले लेते हैं, लेट ए सेट है हमारा 1, 2, बी सेट लेट कर लेते हैं 2, 3। अभी हम इसमें यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स, यहाँ दो ही सेट्स हैं तो हमारे सब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा 1, 2, 3। यहाँ पे क्या क्या टर्म चाहिए आपको, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब आपको पता है कि ए के एलिमेंट आपको लिखने हैं बट कट कर देना जो बी के साथ कॉमन है, तो ए के एलिमेंट 1 लेकिन ये इसके साथ कॉमन नहीं है तो लिख लो 2, 2 तो कॉमन है इसको कट कर दो और कोई एलिमेंट ही नहीं रहा, इसका मतलब ए माइनस बी क्या रहा आपका 1। अब मैं और तो कोई टर्म नहीं चाहिए आपको, यस ए यूनियन बी भी चाहिए तो मैं यहाँ ले भी लेता हूँ ए यूनियन बी, तो ए और बी के ऑल एलिमेंट्स, तो ए और बी के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1, 2, 3। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2, यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी क्या है आपका 1, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास कौन सा सेट आएगा 1 और 2, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी। अब देखो इक्वल टू ये क्या है 1 और 2, 1 और 2 कुछ और थोड़ा ना है, ये क्या बन गया आपका ए सेट, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड देखिए ए सेट, ए सेट में एलिमेंट क्या है आपके, ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई थी, अब सेकेंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, ए सेट में एलिमेंट्स आपके 1 और 2 है, यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ, मैं यहाँ बी माइनस ए और फाइंड आउट कर देता हूँ, इसका मतलब बी के एलिमेंट लिखने हैं और कट कर देना जो ए के साथ कॉमन है, तो बी में क्या है 2, कट कर दो क्योंकि ये कॉमन है, 3, 3 नहीं है तो यहाँ क्या आ गया 3, तो यहाँ क्या आ गया आपका 3। अब आपको क्या करना है इसका यूनियन, तो यूनियन क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, और ये देखो ये कुछ और नहीं है, ये ए यूनियन बी ही है आपका,
तो ये इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी। क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। तो एक तो था ये भी विद इन एग्जाम्पल समझाऊँ। अब दूसरा तरीका लॉजिकली इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिकली आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो अब हमारा क्या है अल्टरनेट वे, तो दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ इसको। हाँ, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है हमें। हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं इसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो मैं ए माइनस बी को एक अनदर वे से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन माइनस बी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए और ये माइनस बी क्या बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका इंटरसेक्शन कर दोगे तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल क्या होता है सेम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ए माइनस बी की, ए माइनस बी में आपका क्या आया है, वन आया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ए सेट का कॉमन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से, तो बी सेट मेरा ये रहा। तो पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट लिखना आता है आपको कि यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को कट कर दो। यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है ये रहा, बी के एलिमेंट टू और थ्री, इसको कट कर दूंगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ वन। इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया, वन। अब इसमें से और ए में से, सॉरी यस ए में से कॉमन एलिमेंट देखिए कि कॉमन एलिमेंट क्या है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, वन। तो a माइनस बी भी कितना आ रहा है आपका, वन। तो a माइनस बी भी वन है और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, वन। तो इसका मतलब a माइनस बी हो तो आप क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन और नेगेटिव b को क्या चेंज कर दो, b कॉम्प्लीमेंट में। आई होप आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने विद एन एग्जाम्पल आपको समझाया। तो अब देखिए थोड़ा सा रिजल्ट और भी समझाता हूँ। तो आई होप ये रिजल्ट तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ब्रैकेट करके आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और भी अप्लाई हो रही है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने आपको क्या लिखवाया था, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको याद हो तो मैं लिख भी देता हूँ दोबारा से एक बार, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता था, जब ये यूनियन सोल्व करते थे तो आता था ए यूनियन, ये यूनियन इसके साथ भी कर दो, फिर ये यूनियन सी के साथ भी कर दो, और जो ये साइन था मिडल में, ये साइन मिडल में आ जाता था। इसी टाइप से यहाँ वो ए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको भी ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन दोनों के साथ कर दो, ए इंटरसेक्शन बी भी कर दो और ए इंटरसेक्शन सी भी कर दो, और जो मिडल का साइन है वो मिडल में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए किससे मैच करता है, इंटरसेक्शन से, दोनों इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है, तो ये यूनियन कहाँ आ जाता है, इसमें और इसमें। तो यहाँ यूनियन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, बी यूनियन यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, इसका नाम क्या होता है, इसको ये भी कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा इसको। अब ध्यान से देखिए, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी आपने करा बी कॉम्प्लीमेंट, आपका क्या रिजल्ट आया था, वन आया था, और बी सेट आपका क्या था, बी सेट हमारा था टू और थ्री। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यदि हम बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, वन टू थ्री। अब ध्यान से देखिए ये चीज़ क्या, कि ये तो आपका यूनिवर्सल सेट बन गया,
यूनिवर्सल सेट था आपका 1 2 3। इसका मतलब इसको आप ये लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब देखो ए सेट का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है यूनिवर्सल सेट से। वैसे आपको ये पता है कि ए सेट में और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो ऐसा सेट होता है जिसमें ए सेट भी होगा बी सेट भी होगा। तो जब मैं किसी सेट का यूनिवर्सल सेट का कॉमन निकालूंगा तो वही सेट आएगा। तो इसका मतलब ये सेट किसके इक्वल हो गया, ए के, और यही आपकी आर एच एस सी करके देख सकते हो। ए सेट हमारा क्या था, ए सेट था हमारा 1 और 2, और इंटरसेक्शन कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या था, 1 2 एंड 3 था। अब इन दोनों का कॉमन करूँगा तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 कुछ और थोड़ा ना है, ये तो ए सेट ही है। इसका मतलब जब आपको ये प्रॉपर्टी ना समझ आ रही है, लॉजिकल ना समझ आ रहे हो, तो विद एन एग्जाम्पल आप कंसीडर करोगे तो उससे आपको बेटर वे से ये लॉजिक समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप से मैं सेकंड पार्ट को प्रूव करूंगा। तो ये था अल्टरनेट मेथड, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी, ए यूनियन बी माइनस ए। अगेन देखो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो नेगेटिव करके, सॉरी नेगेटिव ए को क्या लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट, और बीच में साइन क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। अब फिर देखो पहले तो आप रूल लिख देना, बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अब यूनियन है तो ए यूनियन में दोनों के साथ एसोसिएट कर दूंगा, ए यूनियन बी भी आ जाएगा और ए यूनियन ए डैश भी आ जाएगा, और जो मिडिल में टर्म होती है साइन होता है जो, और मिडिल में आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहां देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने ए सेट आपका क्या था 1 2, और यूनिवर्सल सेट आपका क्या था 1 2 3। यदि हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इट मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखेंगे और ए में जो कॉमन होंगे वो कट कर देंगे, तो यहां क्या रहेगा ओनली 3। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करो, सॉरी दोनों का यूनियन करो, तो यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। और 1 2 3 है क्या चीज़, ये तो यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब किसी सेट का यूनियन विद उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। यहाँ भी लिख सकते हो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है आपका, यूनिवर्सल सेट के। अब आगे देखिए, अब आपको ये पता है भी पहले भी बताया कि किसी सेट का इंटरसेक्शन किसी यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। इसका मतलब क्या आ गया, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। दोनों टाइप्स आपको बताया, विद एन एग्जाम्पल भी बताया और लॉजिकली भी बताया, दोनों को नोट कर लीजिएगा अल्टरनेट करके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट। सेट्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपको ये प्रूव करना है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन है, दोनों के साथ लगा दीजिए, ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, बीच में साइन क्या, इंटरसेक्शन का, दोनों साइड लगा दीजिए। आपको पता है ए सेट का यूनियन करोगे ए सेट के साथ, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए, ए तो ए ही सेट है, तो इसका मतलब ए यूनियन ए क्या आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब सोचिए देखिए ए यूनियन बी में क्या है, ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें ए के भी एलिमेंट है प्लस बी के भी एलिमेंट है, और ए क्या है आपका, ए सेट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। तो हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया था छोटा सा क्वेश्चन।
ऐसे यहां करिए, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये ए इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है यूनियन, तो यूनियन आ गया। अब ए सेट का कॉमन करोगे ए सेट के साथ तो ए सेट ही मिलेगा आपको, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब ए में क्या हो सकते हैं ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो जब आप इसका यूनियन करेंगे तो देखो यूनियन का मतलब ए के तो सभी एलिमेंट लेने हैं और वो एलिमेंट भी लेने हैं जो ए और बी में कॉमन होंगे। ए और बी में कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो नेचुरली किस में प्रेजेंट होंगे, वो ए में तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब कुछ और थोड़ा ना है, ये क्या आ गया ए, समझ नहीं आया। तो देखो ए सेट यदि हम 1 2 ले लें, बी सेट हम 2 3 ले लें, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 2 है और ए सेट हमारा ये रहा। अब इन दोनों का यूनियन करो, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा आपके साथ, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 के इक्वल आ जाएगा, और 1 2 कुछ और थोड़ा ना है, क्या है आपका ए सेट है, इसका मतलब क्या हो गया हेंस प्रूव। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी ना समझ आ रही हो तो विद एन एग्जांपल आप उसको कंसीडर करिए, तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा और आप इसको इजीली प्रूव कर पाएंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको शो दैट है ये करना है, दोनों इक्वल है, नीड नॉट टू बी इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, मतलब यदि ये दोनों इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी सेट भी क्या हो, इक्वल हो, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम विद एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आपको ऐसा लेना है ये दोनों सेट इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सच सेट कैसे है, अब सॉरी सबसे पहले आपको इनको इक्वल बनाना है, तो अपनी तरफ से सेट ले लीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ, ए सेट में एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2, बी सेट में एलिमेंट ले लेता हूँ 2 3, ये बी सेट ले लेता हूँ। तो यहाँ से यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से ओनली 2 कॉमन है, यस। तो ऐसे ही ए और सी का भी सेम आना चाहिए, तो ए में क्या है 1 2 है, तो सी सेट में ले लेता हूँ 2 4 5 6, ये मेरा सी सेट है। अब ए इंटरसेक्शन सी बताइए कितना आएगा, ए और सी में कॉमन क्या है, ओनली 2 ही है, तो सो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल है, बट बी सेट देखो क्या है और सी सेट क्या है, बट बी जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है सी, बी और सी तो अलग अलग है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो देन Then need not, या इसको ऐसे लिख दो, सिंपल सी बात है, here A intersection B A intersection C के इक्वल है, but B is not equal to C, hence proved। तो ये तो क्वेश्चन कहता था कि यदि ये इक्वल हो तो ये जरूरी नहीं है, नहीं का मतलब नॉट इक्वल है, B और C आपस में इक्वल हो गया प्रूव ये। तो इस टाइप से अपनी तरफ से एग्जांपल लेके इसको बेटर वे से प्रूव कर सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, दो सेट्स है ए एंड बी, और ऐसे सेट्स है कि इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है आपका, एंड एक चीज और भी गिवन है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और आपको प्रूव करना है फॉर सम वैल्यू ऑफ सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेकेंड या थर्ड भी किया था, जहां पर आपको दो सेट को इक्वल गिवन करना था और ये कंडीशंस आपको गिवन थी, वहां पर आपने एक लॉजिक यूज किया था,
इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, यूनियन देख लो। सबसे पहले टर्म ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये हमें क्या है गिवन है। फिर आपको पता है आपके पास इंटरसेक्शन की टर्म्स है, तो टेकिंग इंटरसेक्शन ले लो। और क्या इंटरसेक्शन लेना है जो प्रूव करना है, जैसे आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है ए और बी, तो एक पार्ट में हम ए को ए इंटरसेक्शन कर लेंगे और एक पार्ट में हम क्या कर लेंगे बी इंटरसेक्शन। तो देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, यदि मुझे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है तो इट मीन्स क्या है, आपको कंडीशन पता है इक्वल सेट की कि ए शुड बी अ सबसेट ऑफ बी भी होना चाहिए और बी शुड बी अ सबसेट ऑफ ए भी होना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये मेरा सेकेंड पार्ट, इसका मतलब मुझे एक बार ये लेके चलना है, दूसरी बार भी यही लेके चलूँगा ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये चीज़ गिवन है। तो याद रखिए जो चीज़ प्रूफ करनी है आपको, ए और बी प्रूफ करना है, तो एक पार्ट में टेकिंग इंटरसेक्शन ए कॉमन ले लो और एक सेकेंड पार्ट में टेकिंग इंटरसेक्शन बी कॉमन ले लो। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, टेकिंग ए इंटरसेक्शन, तो यहां क्या बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। इसी टाइप से यहां भी, यहां पर बी लेना था तो यहां पर कर लीजिए टेकिंग बी सेट इंटरसेक्शन, तो बी सेट का हमने क्या करा है इंटरसेक्शन करा है, तो ये क्या बन जाएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। तो यहाँ से आपको A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करना है और यहाँ से B इज अ सबसेट ऑफ A प्रूव करना है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूफ। अब करें कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कैसे लिखूँगा इसको, मैं ए इंटरसेक्शन दोनों के साथ लगा दूंगा, ए के साथ भी और ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ भी, और ये यूनियन बीच में आ गया, ऐसे यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी यूज़ करूँगा और ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ भी यूज़ करूँगा, बीच में यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तो मैंने क्या अप्लाई करा है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब आगे देखिए ए सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ कॉमन करोगे तो ए और ए में कॉमन ए ही रहेगा, इसका मतलब ये तो ए हो गया यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन एक्स एज इट इज, अब यहाँ पर भी यही करता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख लो, और ए इंटरसेक्शन एक्स, देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है एम्प्टी, तो ये क्या आ गया एम्प्टी, यहाँ लिख लो ए इंटरसेक्शन एक्स या बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है किसी भी सेट का यूनियन करोगे एम्प्टी सेट के साथ आपको वही सेट मिलेगा, क्योंकि यूनियन का मतलब ऑल द एलिमेंट्स, इसमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है और इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये सेट तो आपका क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और यहाँ देखिए ए सेट का यूनियन करना है आपको ए सेट का और इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, देखो ए इंटरसेक्शन एक्स का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन एक्स का मतलब होता है इसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और एक्स के भी एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट। तो यदि जो हम कॉमन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट एक्स में प्रेजेंट है कॉमन वो ए में भी प्रेजेंट है, और ए में यहाँ प्रेजेंट है तो वो नेचुरली यहाँ भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा ए सेट ही मिलेगा। मान लीजिए ए सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट है, मैं एग्जांपल लेके समझा दूँ, ए सेट में आपके एलिमेंट्स 1, 2, 3 है, एक्स सेट में आपके एलिमेंट 3, 4 है, तो ए और एक्स का इंटरसेक्शन कितना आ गया आपका 3। तो जो ये 3 एलिमेंट है ये ऑलरेडी ए में तो प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब ए यूनियन इसके एलिमेंट भी आपको काउंट करने हैं,
और ए सेट के भी एलिमेंट, तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, मतलब ए ही आएगा। इसका मतलब ये तो ए हो गया, तो यहाँ पर भी ये लिख देता हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, ए ही होगा। अब ध्यान से और देखिए, ए और बी का इंटरसेक्शन जब ए के इक्वल आ जाता है, मतलब ए और बी में जो कॉमन है, मान लो अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं सेट मान लेता हूँ ए 1 2 है और बी सेट है हमारा 1 2 3। अब यदि हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 2 आएगी। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, ए सेट के, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल है, ये ए सेट के इक्वल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का, क्योंकि जो ए के एलिमेंट है वो बी में भी प्रेजेंट है। यस, इसका मतलब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है, आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने एग्जांपल भी शो कर दिया आपको, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, करिए बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमने पहले एक स्टेप क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, क्या बन जाएगा ये, बी इंटरसेक्शन दोनों के साथ कर दीजिए, बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ भी, और बी इंटरसेक्शन पहले ए के साथ और फिर बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, बीच में यूनियन है तो यहाँ यूनियन आ गया। ऐसे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन बी के साथ और बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, बीच में क्या है, यूनियन, तो यूनियन आ गया। अब यहाँ देखिए दोबारे से, बी इंटरसेक्शन एक्स ये तो क्या है, एम्प्टी है, तो ये बी इंटरसेक्शन ए आ गया। यहाँ देखते हैं बी और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी ही आएगा यूनियन, और सॉरी कुछ गलती कर दी, प्लीज वेट अ मिनट, नो इट्स करेक्ट। अब यहां देखिए ध्यान से, बी इंटरसेक्शन बी तो क्या आ गया, बी। अब बी इंटरसेक्शन एक्स अगेन क्या है आपका, एम्प्टी है, तो मैं इसको भी एम्प्टी लिख सकता हूं। अब आपको पता है, इस किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरह से इस सेट का भी यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो ये भी आपको बी सेट। अब फिर से यही है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो बी है, उसमें क्या था कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट ए था, तो ए बी का सबसेट बन गया। यहां पर ए और बी में कॉमन क्या है, बी, तो बी क्या बन गया, इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी प्रूव्ड ए इज इक्वल टू बी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या कह सकते हो कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट। यहां पे आपको सेट फाइंड आउट करने हैं, ए बी एंड सी आपको अपनी तरफ सेलेक्ट करने हैं सेट, सच दैट ऐसे करने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होने जरूरी है। तो आपको ये पता लगाना है कि ए बी और सी में क्या हो, एम्प्टी हो, ऐसे सेट बनाने हैं। तो लेट करिए, लेट सबसे पहले हम कंडीशन ये लेते हैं, ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन होने चाहिए, तो मैं ए सेट के एलिमेंट को लेट कर लेता हूँ 1, 2, ठीक है, बी सेट के एलिमेंट को लेट कर लेता हूँ 2, 3। इसका मतलब क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया, 2, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। पहली कंडीशन होगी कि वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, और इसमें 2 एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब बी एंड सी, तो सी सेट लेना पड़ेगा, इसमें कॉमन ले लेते हैं हम 3, 3, 4, तो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है,
बी एंड सी में इंटरसेक्शन है हमारा 3, तो अगेन ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी ट्रू हो गया। अब ए एंड सी देखो, ए एंड सी में तो कोई आया ही नहीं, तो ए और सी में बनाने के लिए मैं इसको 1 भी ले लेता हूँ। अब ए और सी में देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, तो ए और सी में कॉमन है 1, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो देखो हमने 3 सेट लिए, ए सेट 1 2, बी सेट 2 3, सी सेट 1 3 4, ए और बी में कॉमन 2 आ गया, हमने लिख लिया, ये भी नॉन एम्प्टी सेट बन गया। बी और सी में देखा तो सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है, वो भी लिखा, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। ए और सी में चेक करा तो 1 है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे, नॉन एम्प्टी, तो हमने नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होने चाहिए थे। तो आपको ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नो, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, 1 इसमें है, इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्टी। तो ये थे आपके सेट, तो आंसर इज ए बी सी। तो आप ऐसे सेट बताने थे, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड्स वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, वो वेन डायग्राम पर बेस्ड है, और 3 सेट्स के जो वेन डायग्राम बनते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, और उसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे इजीली सोल्व कर सकते हो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्लस आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।